ग्वालियर जिले में भू अभिलेख के संयुक्त कमिश्नर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल ये मामला सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां एक अज्ञात कार सवार युवक और उसकी महिला मित्र ने संयुक्त कमिश्नर के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार रात गश्त का ताजिया इलाके में भू अभिलेख विभाग के संयुक्त कमिश्नर अखिलेश जैन अपनी स्कॉर्पियो को रिवर्स कर रहे थे और इसी दौरान पीछे से आ रही कार से उनकी स्कॉर्पियो टकरा गई, जिसके बाद संयुक्त कमिश्नर ने माफी मांगी, लेकिन दुर्घटना में कार के क्षतिग्रस्त होने का दावा करते हुए कार चालक और महिला कमिश्नर के साथ गाली गलौज करते हुए पैसे मांगने लगे। पैसे नहीं देने पर आरोपियों ने बीच सड़क पर संयुक्त कमिश्नर जैन के साथ मारपीट की। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना में मामूली रूप से चोटिल हुए गजानंद पांडे की शिकायत पर पुलिस ने कार सवारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। अभी एक घंटे पहले की बात है कि अपने ये अखिलेश कुमार जी हैं, जो शासकीय सेवा में है कहीं पर, वो अपनी गाड़ी को गश्त के ताजिए से पीछे ले रहे थे, तो उधर से एक महिला गाड़ी चलाती हुई आई, उसकी गाड़ी में टच हो गई थी। उसी पे से इनका आपसी कहासुनी होकर वार्तालाप हुई, वार्तालाप में हाथापाई हुई, बीच बचाव करने कुछ वहीं के लोग आए तो उनके साथ भी झूमा झटकी हुई है और फरियादी पांडे की तरफ से प्रकरण दर्ज कर लिया जांच। घटना क्या हुआ कि ये SDM साहब जॉइंट कमिश्नर हैं, तो वो अपने बेचारे गाड़ी उनकी गाड़ी में टक्कर मारी, कोई जो चालक था जो गाड़ी भगा के ले गया। इतने हम लोग आए, हमने कहा काय के लिए कर रहे हो, तो उनको भी उसने मारना शुरू कर दिया, मेरे में भी एक रेपट दे दिया। फिर और लोग भी जो आ गए तो उसने बहुत मारा पीटी इधर से उधर, इधर से उधर। फिर इतने मेरा छोटा भाई आया, उसको भी एक रेपट दे दिया उसने बड़ी ज़ोर से, उसमें भी ज़ोर से मार दिया। और उसके संग में एक लेडीज थी, शायद वो ऐसा लग रहा था कि नशे की हालत में लग रहा था मेरे को। वो कोई DL नंबर था, दिल्ली की गाड़ी थी उसकी। और चूंकि क्या है कि उसने इतना पदर्प किया बेचारे, उनको भी एक जाने कहाँ से उसको उठा रहा है ठेले वाले का सरिया, SDM सामने ही मारा उसने।